वेलकम टू दिस थर्ड वीडियो ऑफ अवर सीरीज ऑन भगवद गीता, जहां पर हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 यानी कि दिव्य ज्ञान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इस चैनल के ऊपर मैं कई तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होगी। सो लास्ट के दोनों वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से अर्जुन जो है वो युद्ध में जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और फिर कृष्ण से गाइडेंस मांगता है और कृष्ण वहां पे उसे गाइड करते हैं, कर्मयोग के बारे में बताते हैं। तो अगर आपने मेरे इसके पहले वाली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ एंड चेक आउट द प्रीवियस वन। सो इस चैप्टर की शुरुआत में कृष्ण जो है वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, जो बातें मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ, जो ज्ञान मैं तुम्हें देने वाला हूँ, यही ज्ञान मैंने सूर्य को कई लाखों साल पहले दिया था और फिर सूर्य ने ये ज्ञान मनुष्यों के फादर, मनुष्य के पिता मनु को दिया और मनु ने ये ज्ञान जो है वो इक्ष्वाकु को दिया और इस तरीके से एक गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये ज्ञान जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहा है, क्योंकि हर गुरु ने ये ज्ञान अपने तरीके से समझा, इसमें उसने अपने मतलब भी ऐड करे हैं। सो विद टाइम ये ज्ञान जो है वो करप्ट हो चुका है, लेकिन ये बात मैं आज तुम्हें फिर से बोलने वाला हूँ ताकि ये ज्ञान फिर से अपने यथा रूप में इस दुनिया को फिर से मिल जाए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज इस चैप्टर के अंदर कृष्ण ने कई सारी ऐसी बातें बोली है जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। काफ़ी सारे विजडम बम्प्स फोड़े हैं कृष्ण ने, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, मैं ही सभी चीज़ों का स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही चांद तारे पेड़ पौधे सारे मनुष्य मैं ही। और फिर कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे जिस तरीके से भजता है मैं भी उसे उसी तरीके से भजता हूँ। सो इस लाइन के अंदर कृष्ण ने स्पिरिचुअलिटी के इस सृष्टि के महानियमों में से एक नियम को बताया है, जिसे समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझे जिस तरीके से भजते हैं मैं भी आपको उसी तरीके से भजता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर कृष्ण के लिए तालियां बजाएंगे तो कृष्ण आपके लिए तालियां बजाएंगे, कृष्ण के लिए आप भजन गाएंगे तो कृष्ण आपके लिए भजन गाएंगे। नहीं, कृष्ण आपकी और मेरी तरह कोई इंसान नहीं है। जब कृष्ण बोलते हैं कि मैं सारे मनुष्य हूँ, मैं ही पेड़ पौधे हूँ, मैं ही पूरी दुनिया हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण जो है वो हमारा यूनिवर्स है, कृष्ण ही वर्ल्ड है। वो कृष्ण बोलते हैं कि आप मुझे जिस तरीके से भजते हैं मैं भी आपको उसी तरीके से भजता हूँ। कृष्ण जो है वो एक्चुअली में हमारी लाइफ है। हम आसपास जो भी चीज़ें टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या जो चीज़ें हमारे 5 सेंसेस के बियॉन्ड है, जिन्हें हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, वो भी कृष्ण है। और इन शॉर्ट बोला जाए तो कृष्ण जो है वो हमारा वर्ल्ड है, कृष्ण जो है वो हमारी लाइफ है। और आप लाइफ को जिस तरीके से भजते हैं, आप लाइफ को जिस तरीके से देखते हैं, आप लाइफ के बारे में जिस तरीके से विचार रखते हैं, लाइफ भी आपको उसी तरीके से बचती है, मतलब लाइफ भी आपकी उस तरह हो जाती है। तो अगर आप सोचते हैं कि लाइफ जो है बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, तो आपकी लाइफ बुरी बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ये लाइफ, ये वर्ल्ड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तो ये वर्ल्ड अच्छा बन जाता है। सो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कृष्ण ने कई हज़ारों साल पहले ही बोल दी थी। अभी न्यू एज में ये थॉट फिर से वापस आ रहा है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैं सब जगह हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, और जो भी मेरे इस रूप को जानकर गुस्सा और डर और बाकी सारी फीलिंग्स छोड़कर मुझमें सरेंडर करता है तो वो मेरे असली रूप को पा जाता है। कृष्ण ने इस चैप्टर के अंदर देवताओं के बारे में भी बात करी है। कृष्ण बोलते हैं कि जो भी मनुष्य सकाम कर्म करना चाहता है वो देवताओं की पूजा करके जल्दी से जल्दी सक्सेस पा लेता है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में हमने लास्ट चैप्टर्स में बात करी है। सकाम कर्म मतलब वो कर्म जिसमें आप प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करे बिना आप फ्यूचर की चिंता करते हुए, रिजल्ट की चिंता करते हुए काम करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम लोग जो इस दुनिया के अंदर हैं वो इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन कृष्ण इसके अपोजिट वर्क करने की सलाह देते हैं और कृष्ण बोलते हैं कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए, आपको फल की चिंता किए बगैर अभी के प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर एक्शंस लेना चाहिए। तो कृष्ण बोलते हैं कि जब भी कोई सकाम कर्म चाहता है
तो अगर वो देवताओं की पूजा करेगा तो उसे काम करने जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलेगी। अब देवता क्या है? तो कृष्ण ने देखा कि हमारे आसपास ये पूरी जो दुनिया है ये कृष्ण है, और इस दुनिया के अंदर कई तरह की पावर्स जो है वो काम कर रही है, और ये पावर्स जो हैं वही देवता हैं। जैसे पैसा, मनी, जैसे नॉलेज, जैसे पानी, अग्नि, जल, और इन्हीं को हमने देवता बना दिया है। जैसे लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, वायु देव, अग्नि देव, सूरज, ये सब जो है वो एक पावर्स है, और ये कोई इंसानों के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आप इन्हें देखते हैं ये वैसे ही हैं, और ये पावर्स हैं जो दुनिया में काम कर रही है। और जब आप इन पावर्स की पूजा करते हैं, इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, इनके बारे में आप जिस तरीके से अटेंशन रखते हैं, ये देवता आपको उस तरह के फल देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी देवता की आरती करी जाती है तो हम उसमें उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनके जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनके बारे में, उन्हें बोलते हैं कि आप सुख देने वाले हो, आप दुख हरने वाले हो। तो हम आरती करके या किसी तरीके से भी पूजा करके देवताओं की इन पावर्स को अप्रिशिएट करते हैं, तो देवता भी हम पे अपनी कृपा बरसाते हैं और हमें सकाम कर्मों में जल्दी सक्सेस मिल जाती है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि ये चीज़ जानने के बाद भी कि आप देवताओं की पूजा करके सकाम कर्मों में सक्सेस पा सकते हैं, आपको फिर भी निष्काम कर्म करना चाहिए। आपको कृष्ण के स्वरूप को जानकर, कृष्ण में सरेंडर करके निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बगैर प्रेजेंट मोमेंट में पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में एक्शंस लेने चाहिए। अगर आप सकाम कर्मों के पीछे भागेंगे तो आपको इस दुनिया के अंदर, इस लाइफ के अंदर कभी भी शांति का अनुभव नहीं होगा। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, कर्म को समझना थोड़ा मुश्किल है। जो भी व्यक्ति कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वो व्यक्ति कर्मों में संलग्न रहकर भी दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमें पहले कर्म और अकर्म को समझना पड़ेगा। कर्म का मतलब हुआ एक्शन लेना, अकर्म का मतलब हुआ कोई भी एक्शन नहीं लेना। ओके, वेरी सिंपल। कृष्ण यहाँ पे एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति कर्म तो करे, एक्शंस तो ले, लेकिन वो ये ना समझे कि मैं ये एक्शन ले रहा हूँ। और जब भी कोई व्यक्ति एक्शन ना ले, कुछ कर्म ना भी हो रहा हो, तब भी वो समझे कि कुछ न कुछ एक्शंस तो हो रहे हैं। इस माइंडसेट से काम करने पर इंसान को दिव्य स्थिति की प्राप्ति होती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। सो यहाँ पर कृष्ण एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपको अपने आप को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखना है। आप जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हैं, और आप जो भी एक्शंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कृष्ण ही आपसे वो करवा रहे हैं। इस स्थिति में आपको दिव्य स्थिति की प्राप्ति होती है, बिकॉज जब आप इस तरीके से काम करते हैं तब आपको बड़े से बड़ा डर भी नहीं लगता, बिकॉज कृष्ण आपसे सब कुछ करवा रहे हैं। इस माइंडसेट से काम करने के बाद में आपको कितना भी पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, आपको अहंकार भी नहीं होता, बिकॉज कृष्ण आपसे सब कुछ करवा रहे हैं। इट्स लाइक आप एक मूवी के कैरेक्टर हैं और कृष्ण जो है वो डायरेक्टर है। तो अगर इस मूवी के अंदर आपने 100 गुंडों को भी मारा तो आपने नहीं मारा, कृष्ण ने आपसे करवाया। इस मूवी के अंदर आपने अगर कितने करोड़ों रुपए कमा लिए तो भी आपको अहंकार नहीं होता, बिकॉज कृष्ण ने आपसे वो करवाया है। इस मूवी के अंदर अगर आपको बड़े से बड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी आपको उसका डर नहीं लगता, बिकॉज ये मूवी की स्क्रिप्ट थी, कृष्ण आपसे सब कुछ करवा रहे हैं, कृष्ण डायरेक्टर है, आप जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। इस लाइन को सुन के, पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपको इस लाइन का एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन करिए, सरेंडर की प्रैक्टिस करिए कुछ दिनों तक। आप लगातार जब सरेंडर की प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे और ट्रस्ट करेंगे कृष्ण के ऊपर कि सब चीज़ें अच्छी ही होने वाली है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जब आप इस चीज़ को कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस करें तब आपको इस लाइन का जो मतलब है उसका थोड़ा सा ग्लिम्स मिलेगा। आपको एक बार इस एक्सपीरियंस का ग्लिम्स मिल गए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑल्सो। आई एम प्रत्युष, बी कॉन्शियस।